सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो भर्ती निकली है वो है नगर निगम में भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में, जो ये वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी में पद का नाम क्या है। तो दोस्तों, ड्राइवर की वैकेंसी हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आगे आप देख सकते हैं कि इसका डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर विभाग में, और इसके साथ ही इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही आगे मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा हो, तो अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 8वीं कक्षा पास हो, और इसके साथ ही उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करें इस वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, अभ्यर्थी की कम से कम आयु 18 और अधिकतम 45 वर्ष, यानी कि 18 से 45 वर्ष का कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म भर सकता है। अब बात करें इस वैकेंसी में, मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट भर सकता है। इसके साथ ही कुल पदों की संख्या की बात करें तो दोस्तों, इस वैकेंसी में कुल पदों की संख्या है 16। पदों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। वेतनमान इसमें अच्छा आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हैं आपको वेतन दिया जाएगा 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक आपको वेतनमान दिया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकली है ड्राइवरों की, ये वैकेंसी संविदा के आधार पे है। साथियों, इसमें आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही आगे मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को आगे तक देखिए। और इसके साथ ही इसमें जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसकी स्टार्टिंग तिथि 17/10/2018 से और अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों 22/10/2018 से पहले कैंडिडेट को अपना फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात करते हैं इसमें जॉब स्थान यानी नौकरी का स्थान, तो दिल्ली होगा दोस्तों। इसके साथ ही आपको सिलेक्शन की बात करें, इसमें जो ये वैकेंसी निकली है ड्राइवर की, इसमें सिलेक्शन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही दोस्तों, आगे मैं आपको इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है वो दिखा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को आगे तक देखिए। और दोस्तों, आगे आप इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आप देख सकते हैं। ये वैकेंसी है दिल्ली नगर निगम की तरफ से जारी की गई, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। इसके साथ ही इसमें आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट का नाम है वो ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ड्राइवर की जॉब है दोस्तों, इसमें आगे आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी कम से कम मिडिल स्कूल यानी कि 8वीं कक्षा पास हो, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश किसी भी बोर्ड से 8वीं कक्षा पास हो, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास एक वैलिड हैवी लाइसेंस भी होना ज़रूरी है दोस्तों, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करें इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट की एज यानी कि आयु सीमा, तो आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष जिस कैंडिडेट की आयु सीमा है वो इसके लिए अपना फॉर्म भर सकता है। चाहे कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल एससी एसटी ओबीसी या अदर, उन सभी के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। आगे बात करें इस वैकेंसी में, ये जो वैकेंसी में कुल पोस्ट की बात करें तो टोटल पदों की संख्या है दोस्तों इसमें 16। इसके साथ ही ये वैकेंसी संविदा के आधार पर आप देख सकते हैं लिखा है। इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है उसकी अंतिम तिथि क्या है। तो दोस्तों 22/10/2018 से पहले कैंडिडेट को अपना फॉर्म अवश्य भरना होगा। आगे बात करें दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म भर सकता है। और इसके साथ ही अब बात करें इसमें आपको वेतनमान दिखाऊंगा दोस्तों, अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। सेवंथ पे कमीशन के अनुसार आपको 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक आपको वेतनमान दिया जाएगा, आप देख सकते हैं जो 8 नंबर पॉइंट में स्पष्ट वेतन के बारे में बताया गया है।
इसके साथ ही दोस्तों आगे देखिए, इस वैकेंसी में बेसिक जानकारी दी गई है, आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसमें ईमेल आईडी, अपने मोबाइल नंबर और संपूर्ण जानकारी, बेसिक जानकारी आप सब जानते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात सबमिट बटन क्लिक करना होगा। और इसके साथ ही अब सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें सिलेक्शन होना होगा। जो आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया उसकी जो प्रिंट आउट है उसको रखना है आपके पास, और इसके साथ इसमें लिखा है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसका प्रिंट आउट आपको साथ लेके जाना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं इस पर लिखा है। और इसके साथ ही दोस्तों इसी प्रकार जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भर्तियाँ और उन भर्तियों से संबंधित जो भी ताज़ा जानकारी आई उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं और लाइक भी कीजिए, जिससे आपको स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भर्तियां और उन भर्तियों से संबंधित जो भी ताज़ा जानकारी आई उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।